माई डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन KSG मैथ्स क्लासेस। आप सभी का KSG मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में ग्रुप मॉर्फिज्म और इसके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, और इस थ्योरम का नाम क्या है? कैली थ्योरम। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। मोस्टली हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये थ्योरम पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव कैली थ्योरम। ठीक है, कैली थ्योरम, कैली प्रमेय की स्टेटमेंट भी लिखिए और इसका प्रूफ भी कीजिए आप। तो कहने का मतलब क्या है, अपने को इसकी स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है कैली थ्योरम की। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक ग्रुप किसी एक परमुटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। प्रत्येक ग्रुप किसी परमुटेशन ग्रुप के तुल्यकारी होता है। आइसोमॉर्फिक मीन्स क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और वो फंक्शन कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तीन प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? वन वन, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म। इस टाइप से अपने को प्रूफ करना होगा। ठीक है, एक ग्रुप होगा, एक क्या होगा, उसका परमुटेशन ग्रुप होगा, और दोनों के अंदर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। ओके, तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक आप छोटा सा एग्जांपल समझिए कि अपने जो इसके अंदर एलिमेंट्स वगैरह लेंगे वो किस टाइप के होंगे, क्योंकि परमुटेशन है और परमुटेशन क्या होता है, एक फंक्शन। ठीक है, तो जस्ट मैंने अपने एक एग्जांपल डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, जैसे g इक्वल टू वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एलिमेंट मैंने सपोज किया, चूज कर लिया ओमेगा g का एलिमेंट है, देन ए फंक्शन f ओमेगा, यानी कि परमुटेशन लिखना है अपने को। तो परमुटेशन हमेशा क्या होता है, डबल रो में सिस्टम होता है। ओके, तो पहली रो हम क्या लिखते हैं, वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड रो के अंदर क्या होगा, हर एक एलिमेंट को हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ओमेगा इंटू वन, ओमेगा इंटू ओमेगा एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये प्रोसीजर होगा हमारे पास लिखने का। और अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि x अगर यहाँ पर है एक्स वाई जेड, तो x के सामने हमेशा क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, y के सामने फंक्शन ऑफ y, z के सामने क्या होता है परमुटेशन के अंदर, फंक्शन ऑफ z। समझने की कोशिश करना, अगर हमारे पास इस टाइप का परमुटेशन है f, x के सामने फंक्शन ऑफ x, y के सामने फंक्शन ऑफ y, z के सामने फंक्शन ऑफ z। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अब उसके बाद ध्यान दो आप, अब देखो अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग लिखूं एफ ए, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ए इस तरीके से, अगर ए जी का कोई एलिमेंट हो। ठीक है, इफ ए बिलोंग्स टू जी, तो एफ ए ऐसा लिखा जाएगा। बट इसके अकॉर्डिंग अगर हम एफ ए लिखें तो इसका मीनिंग क्या होगा, अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो यहाँ क्या होगा, ए एक्स ए वाई और ए जेड होना चाहिए। एफ ओमेगा मीन्स इस हर एक एलिमेंट को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट बोल रहा हूँ मैं, प्रत्येक एलिमेंट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ऐसे ही एफ ए का बेसिक मीनिंग क्या होना चाहिए, एक्स के सामने फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, वाई के सामने फंक्शन ऑफ वाई होना चाहिए, जेड के सामने क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ जेड होना चाहिए। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, एफ ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, और सेकंड रो के अंदर क्या होगा, एफ ए एफ वाई और ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो अब आप थोड़ा सा नोट करिए यहाँ पर, अगर हम इन दोनों का कंपेरिजन करें तो हमारे पास किस टाइप का रिलेशन बन रहा है, एफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स, एफ ए वाई इक्वल टू ए वाई, एफ ए जेड इक्वल टू ए जेड। इस टाइप का रिलेशन देखो आप, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, ये इसके बराबर होगा, एफ ए वाई इसके इक्वल होगा, एफ ए जेड इसके इक्वल होगा, ए जेड के बराबर।
अब आप इन तीनों को देखिए, आप तीनों में ऑब्जर्व करिए क्या है यहाँ पर। ए फिक्स पॉइंट है, फिक्स एलिमेंट है जी का, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, इफ ए बिलोंग्स टू जी, यहाँ फॉर ऑल नहीं आएगा, इफ ए बिलोंग्स टू जी देन एफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स, और यहाँ पर एक्स के लिए क्या आएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ पर हर एक एक्स किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। देखिए आप, एक्स भी जी का, वाई भी जी का, जेड भी जी का, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो आप, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अगर फिक्स है यहाँ पर, ओमेगा बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ पर ओमेगा आएगा। अगर यहाँ एक्स है तो फिर फॉर ऑल एक्स किसका हो जाएगा, जी का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लीज़ नोट करिएगा कि जब हम इस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं तो हम उसके अंदर फंक्शन किस टाइप का चूज करेंगे, ए जी का कोई एलिमेंट देन एफ ए फंक्शन फ्रॉम जी टू जी। क्यों, फर्स्ट रो के अंदर भी ग्रुप के एलिमेंट होंगे, सेकंड रो के अंदर भी उसी ग्रुप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसा होते ही क्या बनेगा, परम्यूटेशन, ओके। और यहाँ पर फॉर ऑल एक्स किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट, ओके। तो अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब तो ओके, अब एक बार फिर सुनिए आप, करना क्या अपने को, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप किसी एक परम्यूटेशन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो प्रूफ लिखिए आप। अब इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लेट जी इज ए ग्रुप, क्योंकि दिन रेखा ओनली लैंग्वेज है, तो हम सपोज कर लेते हैं जी एक ग्रुप है, अर्थात दैट इज कंपोजिशन ऑफ जी इज मल्टीप्लाई, ठीक है। इस टाइप का ग्रुप है जिसका कंपोजिशन क्या है, मल्टीप्लाई है। क्यों हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, हाँ भी, अब इसके बाद लेट अस डिफाइन ए फंक्शन एफ ए फ्रॉम जी टू जी, ओके। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ ए कहाँ से जी में, और यहाँ पर ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट, वेयर ए बिलोंग्स टू जी, सच दैट। अब फंक्शन की डेफिनेशन किस तरीके से परिभाषित करना है, इसको किस तरीके से डिफाइन करना है, मैंने आपको अभी बताया था, एफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर फॉर ऑल एक्स किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट। देखो एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ए सिंगल होगा, बट यहाँ पर एक्स क्या होगा, जी का प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। और उसके बाद अगर हम इस फंक्शन को वन वन और ऑन टू प्रूफ कर दें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन, क्योंकि सबसे पहला टारगेट क्या होगा, इस फंक्शन को परम्यूटेशन प्रूफ करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को वन वन ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो लगाइए हेडिंग आप, एट फर्स्ट टू प्रूफ एफ ए इज वन वन, वन वन प्रूफ करना, ठीक है। तो वन वन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, लिखो इफ एफ ए एक्स इक्वल टू एफ ए ऑफ वाई, ठीक है, और हमारा रिजल्ट किस टाइप का आ जाए, हमारा रिजल्ट आ जाए एक्स इक्वल टू वाई, देन टू प्रूफ एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से चलें और यहाँ तक हम पहुँच जाएं, ओके। तो इसके लिए क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल, तो लिखिए सिंस एफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए ऑफ वाई, द्वारा लेट नहीं लिखना, लेट या एफ द्वारा नहीं लिखना होता, द्वारा हम क्या लिखते हैं, सिंस, चूंकि। और इसके बाद क्या करोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करोगे, तो बाई वन क्या देगा हमारे पास, दैट इज ए एक्स इक्वल टू ए वाई, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करने के बाद। और अब आप देखिए यहाँ पर ए एक्स और वाई किसके एलिमेंट हैं, सारे जी के एलिमेंट हैं, ठीक है। और हमने फर्स्ट टॉपिक के अंदर कैंसिलेशन लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर ए एक्स इक्वल टू ए वाई हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, काटा नहीं लगाना है, ठीक है, रीजन लिखना आप लोगों को, ध्यान देना आप, क्योंकि एक काटा हमारा होगा, एक एग्जामिनर का हो जाएगा, तो आपने कट नहीं लगाना है, आप कारण लिखोगे बाई एल सी एल इन जी,
लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन जी। क्यों? ग्रुप में क्या होते हैं? कैंसिलेशन लॉ होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते देखो क्या आ गया जो आपने वो प्रूफ करना था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एफ ए इज 1-1, एफ ए इज 1-1। ओके, और अब अगला टारगेट क्या होगा? एफ ए को ऑन टू प्रूफ करना। तो लिखिए आप, नाउ टू प्रूव एफ ए इज ऑन टू। ओके, नाउ टू प्रूव एफ ए इज ऑन टू। किस टाइप का फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम। ठीक है, देखिए क्या है, यहां पर भी हमारे पास जी है, सामने भी जी है, इन दोनों के अंदर फंक्शन किस टाइप का है? एफ ए। ठीक है, तो यहां पर अगर एलिमेंट्स एक्स वाई जेड हैं तो यहां पर एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे? ए एक्स, ए वाई और ए जेड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। ओके, पहले के अंदर देखो आप, ये एक्स किसका होता है? जी का एलिमेंट, और ये एफ को अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट बनता है वो किसका होता है? सामने वाले ग्रुप का। ठीक है, तो अब इसके बाद रिलेशन, इस टाइप का रिलेशन बना रखा है हमने। ठीक है, तो अब देखो, अगर सामने वाले ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट बिजी हो तो फिर ये फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखना होगा अपने को? बहुत ही सिंपल तरीका है हर एक थ्योरम के अंदर। आप यहां से स्टार्ट करिए, फॉर ऑल ए एक्स बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी। कहने का मतलब, ए एक्स के लिए फर्स्ट ग्रुप के अंदर जी है, ए वाई के लिए फर्स्ट के अंदर वाई होगा, ए जेड के लिए फर्स्ट के अंदर क्या होगा? जेड होगा। ठीक है, सच दैट, जिनको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, सच दैट एफ ए ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स एंड वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। प्रत्येक एक्स किसका एलिमेंट होगा? जी का एलिमेंट होगा। तो देखिए आप, फॉर ऑल, प्रत्येक, सामने वाले का हर एक एलिमेंट बिजी कर दिया हमने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑन टू फंक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल, एंगेजमेंट के बाद का सीन होता है। ठीक है, एंगेजमेंट के बाद मैरिज से पहले दोनों बिजी हो जाते हैं मोबाइल के ऊपर। ओके, तो इस तरीके से सामने वाले को आपने क्या करना है? बिजी कर देना है। अगर उसका हर एक एलिमेंट बिजी होगा तो क्या होगा? एफ ऑन टू कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट लिखिए आप। देखो अब हमारे पास किस टाइप का रिजल्ट बना, हम लोग क्या देख रहे हैं यहां पर? तो वी सी दैट एफ ए इज 1-1 एंड ऑन टू। एफ ए क्या है? 1-1 एंड ऑन टू है, तो इसका मीनिंग क्या है? एफ ए इज ए परम्यूटेशन। क्योंकि परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है? एक फंक्शन जो सेम ग्रुप से उसी ग्रुप में डिफाइन हो और दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, कौन कौन सी? 1-1 और ऑन टू। तो फंक्शन क्या कहलाता है? देन फंक्शन इज कॉल्ड ए परम्यूटेशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया एफ ए इज ए परम्यूटेशन, एफ ए इज ए परम्यूटेशन। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? परम्यूटेशन ग्रुप लिखना। क्यों? थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। तो अब हमारा टारगेट है जी का परम्यूटेशन ग्रुप तैयार करना। ओके, तो इसके लिए लिखो आप, हम नाउ फॉर परम्यूटेशन ग्रुप, क्योंकि अब हमारे पास क्या होना चाहिए? एक परम्यूटेशन ग्रुप होना चाहिए। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट जी डैश इक्वल टू एफ ए एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अब हम यहाँ पर फॉर ऑल ए लिख सकते हैं। क्यों? अब इस सेट के अंदर जो भी परम्यूटेशन होंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जी इक्वल टू वन ओमेगा मेगा स्क्वायर,
तो तीन परम्यूटेशन कौन कौन से, एफ वन, एफ ओमेगा एंड एफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, जी डैश के अंदर इस टाइप के परम्यूटेशन एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अगर जी के अंदर फोर एलिमेंट्स है देन फोर परम्यूटेशन, जी के अंदर अगर थ्री एलिमेंट्स है देन थ्री परम्यूटेशन, जी के अंदर एन एलिमेंट्स है देन एन परम्यूटेशन। ओके, तो अब हमारा टारगेट है नाउ टू प्रूव जी डैश इज ए ग्रुप, क्योंकि ये ग्रुप होना चाहिए। तो लिखिए आप नाउ टू प्रूव जी डैश इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन या मल्टीप्लीकेशन ऑफ परम्यूटेशन, जो मर्जी लिख दो आप। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, लेट अस कंसीडर ए सेट जी डैश इक्वल टू एफ ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इस टाइप के फंक्शन, इस टाइप के परम्यूटेशन का सेट कंसीडर करना और उसके बाद फिर इस सेट को ग्रुप प्रूफ करना। नाउ टू प्रूव जी डैश इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू परम्यूटेशन। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, फोर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, तो सबसे पहले लिखो आप क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोजर के अंदर क्या करना होता है, इसके दो एलिमेंट कंसीडर करिए और उनका मल्टीप्लाई भी किसके अंदर होना चाहिए, जी डैश के अंदर। तो लिखो आप लेट एफ ए एंड एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश, देन टू प्रूव एफ ए इंटू एफ बी, ये भी किसका एलिमेंट हो, जी डैश का एलिमेंट हो। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, दो परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई क्या होता है, इज अगेन ए परम्यूटेशन। ठीक है, और परम्यूटेशन की नेचर क्या होती है, वन वन ऑन टू। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक परम्यूटेशन आएगा और वो भी किस टाइप का फंक्शन होगा, वन वन ऑन टू, क्यों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट है कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, जी डैश का एलिमेंट, द्वारा एक परम्यूटेशन बने। ठीक है, दैट इज टू प्रूव एफ ए इंटू एफ बी इक्वल टू एफ ए बी। ठीक है, दो परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई एक परम्यूटेशन हो, तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे, तो लिखिए फॉर दिस एफ ए एफ बी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए बी एक्स। दोनों साइडों में देखो आप, एफ ए के सामने किसका एलिमेंट होगा, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग जी का एलिमेंट। ठीक है, तो आप लिख दो आप फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ पर एक्स किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। ठीक है, देखो ये ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर है, फंक्शन इक्वल टू फंक्शन है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने वेरिएबल लगाएंगे, इसके सामने एलिमेंट्स लिखेंगे हम, किसका एलिमेंट, जी का एलिमेंट। ठीक है, तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन करिए। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एफ बी अप्लाई होगा, दैट इज एफ ए ऑफ बी एक्स इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी एक्स, कहाँ से, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। और उसके बाद अगेन इक्वेशन फर्स्ट का यूज करें, देखो आप अगेन बाई वन, इक्वेशन फर्स्ट का दोबारा फिर यूज करें हम, तो हमारे पास क्या आएगा, ए बी एक्स इक्वल टू ए बी एक्स। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, दो परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई भी एक परम्यूटेशन है और वो भी किसका एलिमेंट होगा, जी डैश का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो लिख दो प्लीज, इम्प्लाइज एफ ए बी बिलोंग्स टू जी डैश, देन एफ ए इंटू एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश। ओके, जब राइट हैंड साइड जी डैश का है तो लेफ्ट हैंड साइड भी किसका होगा, जी डैश का एलिमेंट होगा। ओके, हाँ भाई, इसके बाद फिर आइए आप
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना। तो इसके लिए लिखिए आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए क्या करोगे आप, टू प्रूव एफ ए एफ बी एफ सी इक्वल टू एफ ए एफ बी एफ सी। ओके, लेफ्ट के अंदर पहले दो के ऊपर ब्रैकेट और राइट के अंदर लास्ट दो के ऊपर ब्रैकेट। ठीक है, तो हाँ भी इसके बाद आइए आप, प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जी के एलिमेंट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा भी लिखा जा सकता है, या फिर आप प्रूफ भी कर सकते हो। तो प्रूफ करने के लिए आपने को क्या करना होगा, ठीक है, एक्स अप्लाई कर दो आप, तो लिखो फॉर दिस टू प्रूव एफ ए एफ बी इंटू एफ सी ऑफ एक्स इक्वल टू, ऐसे ही राइट हैंड साइड के अंदर एफ ए एफ बी एफ सी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है दो फंक्शन को इकट्ठा करने के बाद किस टाइप का आंसर आएगा। देखो आप, हमारे पास आएगा एफ ए बी इंटू एफ सी ऑफ एक्स, और ऐसे राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, एफ ए एफ बी सी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, अगेन क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज करना। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकते हो आप, एफ ए इंटू एफ बी इक्वल टू एफ ए बी को, जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है यहाँ पर, क्योंकि इसका बार बार यूज हो रहा है, तो लिख देना बाई सेकेंड बाई टू समीकरण दो से। हम लोग अगेन क्या लिखेंगे, एफ ए बी सी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए बी सी ऑफ एक्स, और उसके बाद देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी सी एक्स इक्वल टू ए बी सी एक्स बाई वन, अगर इस फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करें तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है। ठीक है, हाँ भी इसके बाद फिर आइए आप आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्रूफ करना होगा अपने को जी डैश में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी डैश। तो हेडिंग लगा दो आप आइडेंटिटी एलिमेंट, बहुत ही सिंपल। ठीक है, हाँ भी सिंस ई बिलोंग्स टू जी, ई जी का आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज कर लो आप। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा ए ई, यहाँ हम ई ए लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा, ए आएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर लिखो आप देन एफ ई, ये किसका एलिमेंट होगा, जी डैश का, और अब आपने क्या करना है, एफ ई और एफ ए का मल्टीप्लाई करना है, और किसके बराबर होना चाहिए, एफ ए के इक्वल, और इसी तरीके से एफ ए और एफ ई का मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कितना होना चाहिए, एफ ए, और अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मीनिंग क्या होगा, एफ ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल, आप आगे बढ़िए लेफ्ट हैंड साइड से, एफ ई एफ ए बाई टू इक्वेशन सेकेंड क्लोजर का रिजल्ट क्या देगा, एफ ऑफ ई ए, और उसके बाद आप इसी इक्वेशन का यूज करो नंबर थर्ड बाई थर्ड, ई ए को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए लिख सकते हैं, और ऐसा करते क्या हो गया, राइट हैंड साइड आर एच एस, और ऐसे ही हम इसकी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एफ ए इंटू एफ बी, और हमारे पास किस टाइप का रिजल्ट आएगा, एफ ए।
ठीक है, यानी कि ए ई बनेगा, और ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं बाई थर्ड। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है इसके बाद, इम्प्लाइज हम ऐसा लिख सकते हैं, इम्प्लाइज इन दोनों के बाद इम्प्लाइज एफ ई बिलोंग्स टू जी डैश इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, एफ ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, एफ ई जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, क्यों, एफ ई को हम किसी भी परमुटेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। और इसके बाद फिर लिखो आप नंबर फोर, इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते ही जी डैश क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो लिखो आप नाउ टू प्रूव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, बहुत ही सिंपल। परमुटेशन क्या है, वन वन ऑन टू फंक्शन होता है, और अगर कोई वन वन ऑन टू फंक्शन है तो इसी केस के अंदर ही उस फंक्शन का इनवर्स होता है, अदरवाइज किसी केस के अंदर फंक्शन का इनवर्स नहीं होता, ओनली वन वन ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स होता है। तो हम सीधा भी लिख सकते हैं एफ ए इज ए परमुटेशन, इट मीन्स एफ ए इन्वर्टिबल बिकॉज एफ ए इज वन वन एंड ऑन टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो लिखिए आप, सिंस एफ ए इज वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है, वन वन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम जी टू जी, फ्रॉम जी टू जी, और इसके बाद फिर आप लिख सकते हो वी नो दैट एवरी वन वन ऑन टू फंक्शन इज इन्वर्टिबल। ठीक है, हम जानते हैं प्रत्येक वन वन ऑन टू फंक्शन का इनवर्स होता है। ओके, प्रत्येक वन वन और ऑन टू फंक्शन का इनवर्स विद्यमान होता है। ठीक है, ऐसा लिख करके आप लिख देना, इंप्लाइज एफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश, ये इसका इनवर्स होगा एफ ए का। आप मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो इसको। ठीक है, कैसे, एफ ए और एफ ए इनवर्स इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे तो क्या आएगा, बाई टू, ये हमारे पास बनेगा एफ ए ए इनवर्स दैट इज एफ ई। अगर दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट का इनवर्स सेकंड होगा। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं एफ ए इनवर्स इंटू एफ ए, इसका रिजल्ट भी क्या होगा, एफ ई आएगा इक्वेशन सेकंड का यूज करने के बाद। ठीक है, पहले यहाँ पर सेकंड यूज कर लेना आप, और उसके बाद ए इंटू ए इनवर्स को क्या लिख देना आप, ई लिख देना। ठीक है, तो अब आपके सामने है अगर दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है, पहले का इनवर्स दूसरा है, तो आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, आप लिख दो इम्प्लाइज इनवर्स ऑफ एफ ए इज एफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश। ठीक है, एफ ए का इनवर्स है, और वो भी किसके अंदर है, जी डैश के अंदर, क्यों, वन वन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि परमुटेशन है तो वन वन ऑन टू फंक्शन होगा, 100% बिलोंग्स टू जी डैश। ओके, और इसके बाद देखो यहाँ तक पहुँचते ही हमने कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, फोर प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ जी डैश इज ए ग्रुप। तो लिख दो आप इम्प्लाइज जी डैश इज ए ग्रुप, जी डैश इज ए ग्रुप, और इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, परमुटेशन ग्रुप इस थ्योरम के अंदर। ओके, एंड वेयर जी डैश किस टाइप के एलिमेंट्स है, एफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। और अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट है प्रत्येक ग्रुप अपने परमुटेशन ग्रुप के क्या होता है, आइसोमॉर्फिक, एवरी ग्रुप इज
आइसोमॉर्फिक टू सम परम्यूटेशन ग्रुप। तो लिखो आप, नाउ टू प्रूव, अब हमारा टारगेट रहेगा क्या, टारगेट रहेगा नाउ टू प्रूव जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होने चाहिए, तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट क्या होगा, क्योंकि हमारे पास परम्यूटेशन ग्रुप बन गया है और अब हम प्रूफ करेंगे, नाउ टू प्रूव जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है, जी कैसा होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक टू जी डैश होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस वी डिफाइन ए फंक्शन phi from g to g dash such that इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो देखो क्या होता है, g के एलिमेंट के ऊपर phi को अप्लाई करेंगे हम और इक्वल टू में किसका एलिमेंट लिखा देगा, g dash का। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, that is phi of x equal to fx। देखो आप, अगर यहाँ पर हर एक a g का है तो f a किसका है, g डैश का। अगर x g का होगा तो f x भी किसका होगा, g डैश का। तो आप लिख सकते हो साइड के अंदर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, इक्वेशन नंबर थर्ड। और अब हमारा टारगेट है phi को 1-1 प्रूफ करना, ऑन टू प्रूफ करना और होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फाई क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म, और फाई आइसोमॉर्फिज्म होते ही दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक। ओके, तो आइए सबसे पहले हम फाई को 1-1 प्रूफ करते हैं। तो लिखो आप, नाउ टू प्रूफ फाई इज 1-1, फाई को 1-1 प्रूफ करना। तो 1-1 प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, इफ फाई एक्स इक्वल टू फाई ऑफ वाई, ठीक है, फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू g, देन टू प्रूव, और इसके बाद प्रूफ क्या करना होगा, x इक्वल टू y प्रूफ करना होगा अपने को। x इक्वल टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल, यहां से स्टार्ट करिए आप, लिखो सिंस फाई ऑफ x इक्वल टू फाई ऑफ y, और इसके बाद फिर फाई की डेफिनेशन बाई थर्ड, इक्वेशन थर्ड का यूज करो आप। तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे हम, x से बना हुआ परम्यूटेशन, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, y से बना हुआ परम्यूटेशन बाई थर्ड, फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स, फाई वाई इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, तो अब अगले स्टेप के अंदर देखो आप, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है x इक्वल टू y तक पहुंचना। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या करोगे, आगे बढ़ने के लिए ये फंक्शंस हैं, जैसे चौक है, चौक क्या है, ऑपरेटर है, और इसके सामने जब तक ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड नहीं होगा बेकार है। तो ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए क्या करोगे आप, इनके सामने कोई ना कोई चीज़ लिखोगे। तो देखो आप, एफ ए के सामने किसका एलिमेंट है, जी का है, तो लगा दो आप। अगले स्टेप के अंदर लिखो आप, नाउ एफ एक्स ए इक्वल टू एफ वाई ए, और लिख देना साइड के अंदर, ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट, जेड लिखना है, जेड लिख दो आप इस तरीके से, साइड में डिनोट कर देना कि ए बिलोंग्स, जेड बिलोंग्स टू जी है। और अब सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को अप्लाई करो आप, बाई वन एफ ए एक्स, दैट इज ए एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड, यहाँ से क्या बनेगा, वाई जेड, और उसके बाद देखो एक्स भी जी का एलिमेंट है, वाई भी जी का एलिमेंट है, जेड भी जी का एलिमेंट है, तो क्या होगा, बाई आर सी एल, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ इन जी, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हैं। तो ऐसा आते ही आप लोग क्या लिखोगे, फाई इज 1-1, फाई इज 1-1। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, फाई कैसा हो गया, 1-1 हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे फाई कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो लिखो आप, नाउ टू प्रूव फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू, तो
तो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं, समझने के लिए डायग्राम बना सकते हो आप। ठीक है, स्टार्टिंग में जी है, सामने जी डैश है, फंक्शन किस टाइप का है, एफ एक्स फाइव, दोनों के अंदर फंक्शन क्या है, फाई है। किस तरीके से एक्स वाई जेड, यहाँ पर क्या है, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, एक्स का रिलेशन, वाई का रिलेशन, जेड का रिलेशन। ठीक है, और अब अपने को क्या प्रूफ करना है, सामने का हर एक एलिमेंट जो है वो क्या हो, बिजी हो, कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए सामने। तो हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जी डैश से, और बहुत ही पेट लैंग्वेज फॉर ऑल, एफ एक्स बिलोंग्स टू जी डैश, देन there exist x belongs to g such that phi of x equal to fx, that is phi is onto, phi is onto, okay। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ देखो आप, फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू जी डैश, कहने का मतलब क्या है, एफ एक्स के लिए एक्स है, एफ वाई के लिए वाई होगा, एफ जेड के लिए जेड होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, सामने का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होगा। अगर यहाँ पर एफ टी होगा तो इसमें क्या होगा, टी होगा। अगर यहाँ पर एफ ए तो इसमें क्या होगा, एफ ए होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, फाई इज ऑन टू। ठीक है, बहुत ही सिंपल, फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंग्स टू जी डैश देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी, ऐसे लिखो आप। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसा करते क्या होगा, फाई इज ऑन टू। और अब लास्ट पार्ट इस थ्योरम का, यानी कि अब अपने को क्या प्रूफ करना है, फाई क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म। तो लिखिए, नाउ टू प्रूफ phi is homomorphism, now to prove phi is homomorphism, अभी क्या करना होगा आपने homomorphism के लिए, बहुत ही सिंपल, to prove phi of xy इक्वल टू, हमारे पास क्या आना चाहिए, phi ऑफ x इंटू phi ऑफ y आना चाहिए, और यहाँ पर हर एक x और y किसके एलिमेंट हैं, g के एलिमेंट्स, फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू g, g के कोई दो एलिमेंट कंसीडर करना, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड आना चाहिए। ओके, तो आइए फिर आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिए, दैट इज phi ऑफ x y, हाँ भी क्या लिख सकते हैं इसको, देखो आप इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई। ठीक है, और अभी हमने प्रूफ किया था क्लोजर के अंदर, एफ ए इंटू एफ बी क्या होता है, एफ ए बी। ठीक है, तो इसका यूज कर लो आप, तो एफ एक्स एफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख सकते हैं। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का रिजल्ट। और ऐसा करने के बाद अगर हम इक्वेशन थर्ड का यूज करें, तो एफ एक्स क्या है, फाई एक्स है, और एफ वाई क्या है, फाई वाई है। तो ऐसा करते ही क्या हो गया, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ रीजन लिख देना आप, बाय थर्ड इक्वेशन थर्ड का यूज किया, देन बाय क्लोजर इक्वेशन सेकंड थी, और उसके बाद अगेन बाय थर्ड, ये किसका यूज करने के बाद लिखा हमने, बाय थर्ड, थर्ड का यूज करेंगे तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, फाई एक होमोमॉर्फिज्म है। तो अब आप लिखिए लास्ट, यानी कि क्या देखा हमने यहां तक आते आते, तो लिखिए प्लीज, वी सी दैट, हम देखते हैं फाई इज वन वन कॉमा ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, फाई वन वन है, फाई ऑन टू है, एंड फाई होमोमॉर्फिज्म है। तो अगर कोई फंक्शन ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म। तो
तो इट मीन्स फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, फाई आइसोमॉर्फिज्म है। ओके तो ऐसा करते ही फिर ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक। जब कोई फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है तो जिन दो ग्रुप्स के अंदर उसको डिफाइन किया गया है वो दोनों ग्रुप क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक। तो लिख दो आप, इम्प्लाइज जी इज आइसो, जी इज एन आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ठीक है, और लास्ट में हम सिंबल से इसको डिनोट कर सकते हैं। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, ये सिंबल ऐसा हम लगा सकते हैं। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे हम, थ्योरम की स्टेटमेंट को रिपीट कर दो आप, क्या लिखा जा सकता है थ्योरम की स्टेटमेंट, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स परमुटेशन ग्रुप। तो लास्ट में प्लीज थ्योरम की स्टेटमेंट को रिपीट कर देना आप, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। तो इस तरीके से कैली थ्योरम का प्रूफ अपने को करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, तो प्लीज रटिए मत, समझिए, ओके, कॉन्सेप्ट को समझिए आप किस तरीके से हम इसका प्रूफ करेंगे। ओके तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में कमेंट भी ज़रूर लिखें, और हमारे यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।